जोधपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल कई दिनों से वाहन चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। वहीं जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को लेकर एक टीम का गठन किया गया और अब टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महामंदिर थाना पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, आरोपियों की निशानदेही पर एक दर्जन बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों से कई वारदातों के खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। महामंदिर थाना अधिकारी लेखराज ने बताया कि 7 फरवरी को खेतनाड़ी इलाके से बाइक चोरी हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर एक टीम का गठन कर संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखना शुरू किया गया, जहां टीम ने जगदीश और शेरू खान निवासी बावड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों आरोपियों ने थाना इलाके में पावटा और आसपास से बाइक चोरी की वारदातों को स्वीकार किया है। इस पर दोनों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही कर चोरी की 12 बाइकों को बरामद किया गया। क्षेत्र में मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी। 1/7/2021 को रिलायंस फ्रेश खेतनाडी के पास मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। उसके अनुसंधान के दौरान हमने एक टीम गठित की। टीम ने संदिग्धों से पूछताछ कर जगदीश पुत्र कुमार अमवाली निवासी बावड़ी व शेर खां पुत्र यूसुफ खान निवासी बावड़ी इनसे थाना लाकर पूछताछ की तो इन्होंने कुल पावटा के आसपास से मोटरसाइकिलें चुराना स्वीकार किया है। इनसे 12 मोटरसाइकिलें हमने इनकी निशानदेही पर बरामद की है, मुकदमे में गिरफ्तार किया, आगे अनुसंधान किया जा रहा है। सर, इनका कोई पुराना इतिहास भी? पूर्व में भी इनके खिलाफ चोरी के प्रकरण दर्ज हो रखे हैं, जिसमें ये चालान शुदा है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ में शहर में कई और वाहन चोरी की वारदातें भी खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, दोनों आरोपी पहले भी वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र चूड़ी की रिपोर्ट।